सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट टेक चैनल को और बेल आइकन को दबा दें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप में से काफी दोस्त विंडोज 7 यूज करते होंगे और हो सकता है आपने विंडोज 8, 8.1 और विंडोज 10 यूज की हो, लेकिन आपको विंडोज 7 इन सबसे ज्यादा अच्छी लगती हो। तो दोस्तों, आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि बाकी जो विंडो की न्यू वर्जन है इस पे आप लोग जो लॉक स्क्रीन है, जिसे हम लॉगिन स्क्रीन कहते हैं, उसका वॉलपेपर आप चेंज कर सकते हैं और विंडोज 7 पे आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये कैसे चेंज कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर की मदद से। जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, आपने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर लें। इसको ओपन करेंगे तो आपको ये सेटअप मिल जाएगा, आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। राइट क्लिक कर लें इस पे और इंस्टॉल पे दबा दें। इसके बाद ये स्क्रीन शो हो जाएगी, अपने आई एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट दबा देना है। इसके बाद यहाँ पर आपने एवरीवन सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद नेक्स्ट दबा देना है। एक बार फिर से नेक्स्ट दबा दें और इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, इंस्टॉल हो जाने के बाद आपने इसे क्लोज कर देना है। तो चलिए यहाँ पर इसे क्लोज कर देते हैं। तो क्लोज करने के बाद दोस्तों, आप वापस अपने फोल्डर को खोल लें और यहाँ पर आप लोग विंडोज 7 लॉगिन बैकग्राउंड चेंजर का सॉफ्टवेयर देख सकते हैं। आपने इसे ओपन कर लेना डबल क्लिक करके। इसके बाद जो आपकी जो डिफॉल्ट स्क्रीन होगी वो शो हो जाएगी। आप नीचे से यहाँ से वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, अप्लाई पे क्लिक कर दें और नीचे आप लोग देख सकते हैं इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, इसे अप्लाई होने दें। इसके बाद आप इसे अगर एग्जिट करते हैं और वापस ओपन करते हैं तो आपको वही वॉलपेपर शो होगा जो सा आपने अप्लाई किया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये वॉलपेपर पसंद नहीं आते तो आप अपने यहाँ पर खुद के वॉलपेपर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर चूज ए फोल्डर पर क्लिक कर लें और यहाँ पर अपने वॉलपेपर का फोल्डर सिलेक्ट कर लें। ये आप लोग देख सकते हैं वॉलपेपर यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं और यहाँ पर शो हो चुके हैं। तो यहाँ पर चलिए इस वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेते हैं और अप्लाई पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पर दोस्तों, फिर सेम टाइम लेगा अप्लाई होने में। तो दोस्तों, अप्लाई होने के बाद आप यहाँ पर सेटिंग भी देख सकते हैं। सेटिंग में आप शेडो वगैरह ऑन ऑफ और डार्क कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर डार्क पे क्लिक कर लेते हैं, डार्क सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद ओके पे क्लिक कर दें। एक बार फिर से दोस्तों, यहाँ पर अपने अप्लाई करना है ताकि सेटिंग सारी अप्लाई हो जाए। इसके बाद सेम दोस्तों, उतने टाइम लेगा ये और उसके बाद आपकी जो सेटिंग है वो अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद आप अपनी लॉगिन स्क्रीन को देख सकते हैं, आपका वॉलपेपर जो है वो चेंज हो चुका होगा। तो बहुत ही सिंपल सी वीडियो थी दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर ऐसी किसी वीडियो की आपके पास रिक्वेस्ट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा इस पर वीडियो बनाने की। तो एक बार फिर दोस्तों, आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।